ट्रेडिशनल कुकिंग विद इंदु में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैजिकल ड्रिंक। जी हाँ, आपने बहुत सारे फ्रूट के जूस पिए होंगे, बहुत सारे वेजिटेबल्स के जूस पिए होंगे, पर आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अमृत का काम करता है। जी हाँ, प्रकृति ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है, उसमें से ये एक जूस है। हमारे शरीर में हम बहुत सारे इंटेक करते हैं, जंक फूड के रूप में, अनाज के रूप में, बहुत सारे पदार्थ के रूप में, लेकिन हम उसे अपने शरीर से बाहर कैसे निकालना है वो भूल जाते हैं। शरीर से बाहर निकालने के लिए वो मल मूत्र के सहायता से निकल जाता है, पर कुछ उसके अंश जो हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं, आगे जाके वो अल्सर, कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो इसीलिए बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने के लिए अपने शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। आज ये वीडियो मैंने इसी पर बनाया है। आप वीडियो को पूरा अच्छी तरह ध्यान से देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपसे शेयर की है, साथ ही इस जूस को बनाना कितना इजी है और हमें इसे किस तरह अपने जीवन में लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ये है पेठा। पेठे के हमने स्वीट्स खाए हैं, मिठाई बनाई है, सब्जी बनाई है। इसे हर एक प्रांत में अलग अलग नाम दिया जाता है। इंग्लिश में इसे एश गार्ड कहा जाता है। वेट लॉस के लिए तो ये बहुत चमत्कारी है। तो चलिए बनाते हैं इसका जूस। देखिए, मैंने यहाँ पर छोटा पेठा लिया है, आप बड़े साइज़ में लीजिए, बड़े साइज़ में जूस की मात्रा अधिक मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने इस तरह अक्खा या पूरे साइज़ का पेठा लिया है तो आप इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कटिंग ली है उसकी तो कटिंग को आप फ्रिज में 5 से 6 दिन रख सकते हैं, उससे ज़्यादा मत रखिए, जूस उसका अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये छोटा साइज़ का था, इसीलिए इसकी जो बी है, सीड्स है, वो बहुत ही कच्चे हैं, तो ये कड़वाहट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपको इसे निकाल लेना है, बीच का ये पार्ट उस निकालना है, और जो इसका छिलका है इसे भी उतार लेना है। अगर आपके पास मिक्सर है, जूसर है, तो जूसर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका जूस मिक्सर में निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो आप इसे कद्दूकस कर लीजिए, तो इसमें से अपने आप जूस निकल जाएगा, और आप एक मलमल कपड़े से उसे छान सकते हैं या फिर स्ट्रेनर से छान सकते हैं, तो जूस निकालने में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह देखिए, मैं इसे इसके छोटे छोटे स्लाइस कर लूँगी, क्योंकि इसे मुझे मिक्सर में ग्राइंड करना है। बी निकालने से इसमें कड़वाहट नहीं आती, और आपको एक बात ये बता दूँ कि ये फल बिल्कुल कड़वा नहीं होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है। इसमें काला नमक या कोई भी आपको फ्लेवर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई फ्लेवर ऐड किया तो इसका इफ़ेक्ट कम मिलेगा। तो आप इसे सिंपल लीजिए। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, उनको मीठा चाहिए, तो आप उसमें कोकोनट वाटर मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। मिक्सर में ग्राइंड करते वक्त यहाँ पर मैं इसमें आधी कटोरी पानी डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्ट्रेनर ले लिया है, आप कोई भी मलमल के कपड़े में भी इसे छान सकते हैं। इस तरह मैं इसे अच्छी तरह छान लूँगी। ये जूस बनाना बहुत ही आसान है और इसके फ़ायदे बहुत हैं, तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे कम से कम 15 दिन बना के देखिए और पीजिए। सुबह खाली पेट आप इसे लेंगे तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। साथ ही इसे पीने के बाद आपको कम से कम 1 से 2 घंटा कुछ नहीं खाना है, क्योंकि ये उस वक्त अपना काम करेगा, यानी अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालेगा। तो देखिए, ये जूस आप बच्चों को, बड़ों को, सभी को दे सकते हैं। इसमें मैंने कोई फ्लेवर नहीं ऐड किया है, फिर भी देखिए मेरा बेटा इसे अच्छी तरह पी रहा है। और अगर आप इसे पी रहे हैं तो हमेशा इसे सुबह खाली पेट पीजिए और डेली पीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके स्किन में ग्लो आ जाएगा, चमक आ जाएगा, साथ ही वेट लॉस के लिए तो ये बहुत ही मैजिकल ड्रिंक है। इसे ज़रूर घर पे बनाइए, पीजिए, हेल्दी और फिट रहिए। मार्केट में ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। जिस तरह लौकी, अगर आपको ये नहीं मिला तो आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं, पर आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए। प्लस आपका ब्लेंडर, यूरिन ब्लेंडर को ये साफ करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, खाना आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि लोगों को इसका बेनिफिट पता चले। अगर इसका बेनिफिट आज मैं आपको बताने लगी तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर से लेके आती हूँ कोई अच्छी, हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी आपके लिए। बाय बाय।